लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सिडको विकसित खारघर नोट के लिए भेजी गई संपत्ति कर वसूली की नोटिस और उस पर चल रही सुनवाई पर बवाल मच गया है। खारघर फोरम की अध्यक्षा एवं बीजेपी नगर सेविका लीना गरड़ ने पनवेल मनपा की इस नोटिस और नागरिकों द्वारा भेजी गई आपत्तियों पर की जा रही सुनवाई पर सवाल उठाते हुए उसे गैर संवैधानिक करार दिया। उन्होंने इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए 7 वकीलों की टीम तैयार की है और मनपा को लीगल नोटिस भेजते हुए पनवेल के मनपा आयुक्त गणेश देशमुख से टैक्स वृद्धि का निर्णय रद्द करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। पनवेल महानगर पालिका ने खारघर जोन के लिए संपत्ति करों में बढ़ोतरी करते हुए टैक्स वसूली का नोटिस भेजा है। इसके खिलाफ हजारों नागरिकों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। 14 जुलाई को इन आपत्तियों पर सुनवाई की गई। हालांकि बीजेपी नगर सेविका लीना गरड़ ने इसकी सुनवाई पद्धति पर आक्षेप लेते हुए इसे गैर संवैधानिक करार दिया। उन्होंने 7 वकीलों की टीम बनाकर मनपा प्रशासन को लीगल नोटिस भिजवाया है। खारघर फोरम की इस नोटिस के जरिए उन्होंने कर वृद्धि को रद्द करने और आपत्तियों के तत्काल समाधान की मांग की है। बीजेपी नगर सेविका लीना गरड़ ने नागरिकों से यह भी अपील किया है कि वर्ष 2023 तक वे कोई भी टैक्स अदा न करें। उन्होंने किसी के बहकावे में नहीं आने का भी आह्वान किया है। पनवेल महानगर पालिका प्रशासन वो सत्ताधारी यांना चैलेंज करते की जर मी पुढील सांगणारे वाक्य चुकीचे असेल तर माझ्यावर कडक कारवाई करावी। मी सांगू इच्छिते की पनवेल महानगरपालिकेतील मालमत्ता करधारक यांनी जर मालमत्ता कर हा 31 मार्च 2023 पर्यंत भरला नाही तर यांना कुठली प्रकारची पेनल्टी किंवा दंड लागणार नाही। परत सांगते, जर मालमत्ता धारकांनी 31 मार्च 2023 पर्यंत कुठल्याही प्रकारचा कर भरला नाही त्यांना कुठलीही प्रकारची पेनल्टी किंवा दंड लागणार नाही। बताना जरूरी है कि पनवेल मनपा ने बीती महासभा में भी जब खारघर जोन के लिए टैक्स प्रणाली का प्रस्ताव लाया था तब नगर सेविका लीना गरड़ ने खुला विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। अब उन्होंने महानगर पालिका अधिनियम की धारा 487 के तहत लीगल नोटिस भेजकर इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। यह अभी पहली बार हुआ है जब सत्तारूढ़ दल का कोई नगर सेवक जनता के लिए अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ इस तरह बगावत पर उतर आया हो और इसीलिए नागरिक उनकी सराहना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।